हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बताऊंगा आप कैसे इंडिया में क्लिक बैंक का अकाउंट बना सकते हैं और पेमेंट मेथड सेटअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया, आप लोग लाइक नहीं करते हो आपके लिए सिर्फ मैं वीडियो की क्वालिटी अच्छी करने के लिए लाइट और फैन बंद एसी और फैन बंद करके वीडियो बना रहा हूं। तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो देखिए, बेसिकली इंडिया में क्लिक बैंक का अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। 99% लोग ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका अकाउंट वहाँ पे सेटअप करते हैं, कुछ ही मिनटों के अंदर मतलब वहाँ पे अकाउंट डिसेबल का स्क्रीन आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले पे। तो ये प्रॉब्लम है, इंडिया में अकाउंट बनता ही नहीं है, लगभग 99% लोगों का नहीं बनता। कुछ ही लकी लोग हैं जिनका बन जाता है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे आपको न्यू डिवाइस यूज करो, ये करो, लेकिन बन जाता है, आप ट्राई जरूर करें, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई किया बन गया तो यार लकी फॉर यू। जैसे देखिए आपको करना क्या है, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम आप साइनअप कर रहे हो, तो साइनअप पर क्लिक करना है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर जब आप फर्स्ट टाइम पे आपका अकाउंट नहीं बने, तो जो मैं मेथड बताऊंगा ना आपको, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, 100% मेरी गारंटी बन जाए। आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अकाउंट बना के मैं, ठीक है। तो देखिए अभी आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे साइनअप पे आना, ठीक है। कंट्री इंडिया चूज कर लेना, फर्स्ट नेम लिस्ट नेम और इंडिया का फोन नंबर डाल देना, ठीक है। जैसे आप ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो नेक्स्ट पेज होगा, वहाँ पे अकाउंट सेटअप का ऑप्शन आएगा। अगर आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है, इस तरह का डिस्प्ले नहीं आता अकाउंट डिसेबल का, तो गाइस ठीक है, आपको मेरा ये जो मेथड है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका इनकेस अकाउंट डिसेबल हुआ, ठीक है, नहीं बना, तो आपने करना क्या है, ये मेथड इस्तेमाल करना, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पे टूल्स बताऊंगा, एक्सटेंशन बताऊंगा, वो इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले जाना है आपको ये 3 डॉट पे क्लिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे मोड टूल पे, देन डेवलपर टूल पे जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र यूज करें, ठीक, इसके लिए सॉरी ये नहीं था यार, फिर से जाना है 3 डॉट पे, आपको यहाँ सेटिंग पे आना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग पे आ गए, ये एक्सटेंशन पे क्लिक करना है आपको, तो एक्सटेंशन आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको इस साइड में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है ओपन क्रोम वेब स्टोर, तो आपको ओपन क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक कर देना है। इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा, इसका नाम है एडिट दिस कुकीज, ये देखिए मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, बस उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। लेट मी सर्च, ये देखिए आ चुका है, ये वाला आपको करना, ठीक है। देखिए एडिट दिस कुकीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ओके। उसके बाद आपको चाहिए एक VPN, VPN का नाम बता देता हूँ मैं, बिल्कुल फ्री है, इसका नाम है ZenMate VPN, ठीक है। ZenMate VPN यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, आप होला VPN भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले से कर रखा है, तो हो गया हमारा ये दो एक्सटेंशन, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं करूँगा क्या, अभी इसे बैक करता हूँ, इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे देखिए मैं एडिट दिस कुकीज़ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे अभी कुकीज़ है या नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ किया तो कुकीज़ डेफिनेटली होगा। यहाँ पे देखें कितने सारे कुकीज़ है, तो हमें करना क्या है, सबको डिलीट कर देना है पहले, ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको करना है ये VPN कनेक्ट, तो VPN पे गया मैं, ओके। तो यहाँ पे आपको लोकेशन जो चूज जर्मनी का, ये देखिए, तो जर्मनी में क्लिक करना है आपको, ये देखो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, तो जर्मनी का यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है लोकेशन, देख सकते हो आप। अभी हम जर्मनी से एक्सेस करें इस ब्राउज़र को, ओके। अभी एक बार मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये किया मैंने रिफ्रेश, ओके। अब यहाँ पे देखिए साइनअप का ऑप्शन आ गया है, अब यहाँ पे आपको देना है कंट्री, तो कंट्री जर्मनी चूज करेंगे यहाँ पे, जी से जर्मनी कहाँ है, तो जर्मनी ये रहा, ठीक है, जर्मनी मिल गया हमें। फर्स्ट नेम पे आपको अपना नाम दे देना है, ठीक है, जो आपका बैंक में अकाउंट में नाम है या नेशनल आईडी कार्ड में नाम है, जो भी हो आधार कार्ड पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, ये देखिए, ओके, इस तरह से ये लास्ट नेम को यहाँ पे डाल दूँगा, ओके, हो गया। आप जर्मनी का फ़ोन नंबर हम कहाँ से ला, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, तो इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, डोंट वरी, मैं आपको सारे वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे है जर्मनी का फ़ोन नंबर, देखिए फेक जर्मनी फ़ोन नंबर पे जाना है आपको, इस वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ से एक नंबर चूज कर लेते हैं हम, ये वाला, जैसे फर्स्ट वन मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, आप रैंडम कोई भी चूज कर सकते हो, ओके। यहाँ से इसे कॉपी करना है हमें, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, ये नंबर हो चुका है पेस्ट। अब आते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तो ईमेल आपको अपना डालना है ओरिजिनल, ठीक है, जो आप खुद यूज़ करते हो, कोई फेक मत डाल देना अकाउंट उसके बाद, क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लिक बैंक से रिलेटेड, इसलिए अपना सही ईमेल डालें, कोई पागल ही होगा जो नहीं डालेगा। एनीवे तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ,
pipot@gmail.com, ठीक है, ये मेरा ईमेल है, प्रोफेशनल ईमेल नहीं है वैसे ये, फिर भी ठीक है, ये वाला है, ठीक, डिजिटल मैनेजर, ओके डन। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है @least2 lowercase character @least2 uppercase character, ठीक है, इस तरह से देना, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, ओके, तो देखा ये पासवर्ड बिल्कुल सही है, मैं एक बार फिर से यही पासवर्ड डाल के देखता हूँ, पासवर्ड में गलती बिल्कुल मत कीजिए, ओके, तो हमारा पासवर्ड डन हो गया, बट एक लास्ट का ये रहेगा यहाँ पे @least2 special character, तो ये भी देना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट गाइस, मैं ये पहले निपटा लेता हूँ, ओके डन, देन कंटिन्यू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, देख सकते हो इस तरह गो टू बॉटम पे क्लिक कर दीजिए, देन एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, देख सकते हो, देन ज्वाइन क्लिंक बैंक पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस टेम्पररी अनअवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, व्हाट द, ये क्या हो गया, एक मिनट गाइस, मैं दोबारा चेक करता हूँ, ये सडनली क्या हुआ, इस पर तो मैंने क्लिक कर रखा है ना, एक मिनट फिर से मैं इसे ट्राई करता हूँ गाइस, कुछ गलती तो नहीं हुई यहाँ पे, आई डोंट नो, सर्विस टेम्पररी अनअवेलेबल, एक मिनट गाइस, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मतलब सर्विस टेम्पररी अनअवेलेबल बता रहा है, क्यों, मैं एक घंटे बाद ट्राई करता हूँ, ठीक है, वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है इसलिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम आगे। एज यू कैन सी गाइस, स्टिल नॉट वर्किंग, 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, आज है दूसरा दिन, ये वीडियो स्टार्टे को ही अपलोड हो जाता, बट ये ज्वाइन क्लिक बैंक पे क्लिक करने के बाद सर्विसेज टेम्पररी अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर स्टिल बता रहा है, ठीक है, जैसे कि यस्टरडे को आया था, मैंने वीडियो को वहीं पे पॉज किया था, सोचा कुछ घंटों बाद होगा, बट ये नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ, जिसे देख के कोई बच्चा भी कर सकता है, हालांकि वो आर्टिकल लिखते समय यूज़ करते हैं हम, ठीक है, फिर भी आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, उसके लिए सॉरी अबाउट दैट, मुझे नहीं पता ये क्लिक बैंक की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या इशू है। तो देखिए, जैसे आप ज्वाइन क्लिक बैंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा होगा वांट हा हैड स्टार्ट, ठीक है, आपको क्या करना है, नो आई गोट दिस ऑन माई ऑन पे क्लिक करना है, ठीक है, देन इसके बाद ये वाला स्क्रीन आपके सामने आएगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ज्वाइन क्लिक बैंक, ओके, देन कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा एड्रेस देने का, ये पूछेगा, ठीक है, तो आपको एड्रेस देना है जर्मनी का, तो जर्मनी का एड्रेस आपको कैसे देना है ये मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी गाइस, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड है, क्या करना होगा, आपको एक वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये है fakegermanyaddressgenerator.com, ठीक है, देखिए fakeaddressgenerator.com है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और नीचे देखिए यहाँ पे जर्मनी का एड्रेस मिल जाएगा, मैं इसका सेम पूरा URL जो है मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, और ये रहा सेकंड वन, यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्टेट, सिटी, स्टेट, जिप कोड सब मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये पूछ रहा था कहाँ गया ये, ठीक है, उसके बाद आपको सेव करना है, फिर आपके पास ये वाला स्क्रीन आएगा पे नेम का, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाटएवर, जहाँ पे भी आपका रियल नेम है वही देना है, ताकि आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिले, ठीक है, ट्रांसफ़र करते समय, उसके बाद आई वांट टू पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसका फिर माई कंपनी एनुअल रेवेन्यू, यहाँ पे क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए आई वांट टू पे क्लिक करना है, प्रमोट प्रोडक्ट एज एन एफिलिएट, ओके, देन सेव कर देना है, ठीक है, उसके बाद माई ये रहा, ठीक है, माई कंपनी एनुअल रेवेन्यू इज़ 25 to 100K कर देना है आपको, ठीक है, डॉलर, उसके बाद सेव करना है, सेव करने के बाद आपके पास ये वाला डिस्प्ले शो होगा, देखिए इस तरह से, ठीक है, डैशबोर्ड पे क्रिएट अकाउंट का, ठीक है, आपको अपना क्रिएट अकाउंट करना होगा, निक नेम वगैरह अभी कुछ आपने बनाया नहीं है इसलिए, तो आपको करना है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक, फिर यहाँ पे आई एम न्यू हेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये आएगा यहाँ पे अकाउंट टाइप, और निक नेम देने के बाद आपको अकाउंट टाइप चूज करना है एफिलिएट प्रमोट प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर देना, दैट से उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, जैसे आपका अकाउंट बन जाए उसके बाद आपको अपने निक नेम पे क्लिक करना है, जो कि डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा ब्लू में, ठीक है, ब्लू कलर में हाईलाइट होगा वो, उस पर क्लिक कर देना, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे
फिर आपको जाना है अकाउंट सेटिंग में, ठीक है, आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएगा। जैसे आप अकाउंट सेटिंग में जाओगे तो आपको नीचे आना है सबसे और पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बैंक कंट्री, बैंक सिटी, ठीक है, बैंक नेम, ये आई बैन, स्विफ्ट कोड, ये सारा देना। ये कहाँ से आपको मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या होगा, आपको जाना है पे नोड पे, ठीक है, ये देख सकते, इस वैसे का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जाना है, साइनअप कर लेना है, ठीक है, पासवर्ड से वेरीफाई कर लेना है, अकाउंट बना लेना है पेमेंट लेने के लिए, इंटरनेशनल यही काम आता है। जैसे मान लो जब आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनने के बाद आपको करना क्या होगा, रिसीप्ट पे क्लिक करना है, ग्लोबल पेमेंट सर्विस पे जाना है, ठीक है। ये ऑल कंट्री के लिए अवेलेबल है, आप कहीं से ये बना सकते हैं ये, ठीक है, सिंपल है। आप YouTube कर सकते हैं, यहाँ पे YouTube पे वीडियो मिल जाएगी आपको कैसे पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, देख लेना। अब ये देखिए लोडिंग हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 अकाउंट मिलेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन से अकाउंट मिल रहे हैं आपको दिखाता हूँ मैं, ये लोडिंग होने देते हैं इसे एक मिनट। ओके, ये देखिए USA का अकाउंट मिल रहा है आपको, UK का मिल रहा है, यूरो का मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये है जर्मनी का अकाउंट, तो यूरो पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया मैंने तो देख सकते हो यहाँ पे सारी बैंक की डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, देख सकते हो। मैंने इसे थोड़ा हाइड कर दिया है, फिर भी यहाँ पे बैंक नेम, बैंक एड्रेस, BIC, IBAN, बैंक कंट्री सब मिल जाएगा आपको। तो बैंक नेम यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक नेम पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक सिटी, तो बैंक सिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बैंक एड्रेस में सिटी मिल जाएगा आपको, देखिए बैंक एड्रेस जो है ना वहीं पे आपको सिटी का नाम भी होगा। एक बार उस एड्रेस को आप कॉपी करके गूगल में जाके चेक कर ले, ठीक है, तो सिटी मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में भी दिया क्या नाम इसमें दिया हुआ है पता नहीं, अजीब सा लिखा है, पढ़ना भी नहीं आता मुझे, SCM जर्मनी, पता नहीं क्या अजीब सा है ये वाला नाम है, ठीक है। तो आपको बैंक एड्रेस में उसका कंट्री मिल जाएगा, ठीक है, वहीं से आप एक चूज कर लेना, पूरा पूरा कॉपी मत कर देना, ओके। लास्ट में मिल जाएगा आपको उसका कंट्री का, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सिटी का नेम, बैंक सिटी नेम, एड्रेस नेम मिलता है लास्ट में, ओके। उसके बाद जर्मनी लिखा होगा, ओके। देन आपको आना है BIC पे, BIC कोड ये रहा, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जैसा देख सकते हो यहाँ पे BIC पूछ रहा है आपसे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है BIC, ये लास्ट वाला, ठीक है, स्विफ्ट और BIC लिखा है, यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद IBAN लेना है, तो IBAN ये रहा आपका, ठीक है, इसे भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये IBAN पे पेस्ट करना है, ठीक है, दैट से उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। और उसके बाद जो भी सेव चेंजेस करना है, ठीक है, सेव चेंजेस करने से पहले एक बार ध्यान रखें कि ये आपका पेमेंट मेथड जो है ना चेक पे होगा, ठीक है, तो चेक को छोड़ना है, पेमेंट मेथड आपको डायरेक्ट डिपॉजिट रखना है, ठीक है, ताकि ये बैंक में आए। और वीकली या आप बी वीकली भी चूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, और $50, $10, $25 जितना लेना है चूज कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, इट्स अप टू यू। देन सेव चेंजेस कर देना है, दैट से उसके बाद आपका ये पेमेंट मेथड भी सेटअप हो जाएगा, ठीक है, क्लिक बैंक का, और बैंक अकाउंट भी आपको मिल गया। तो ये था पूरा इसका प्रोसेस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑलवेज।